सृष्टि की उत्पत्ति से कोई है जो हम सब की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता आ रहा है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसकी जरूरत हमेशा थी, है और रहेगी। ऐसा अतुलनीय है, अद्वितीय है, अप्रतिम शब्द है गुरु। गुरु दो अक्षरों में समाया एक संपूर्ण शब्द है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। इस शब्द को परिभाषित करें तो गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा गया है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए टीचर, उस्ताद यानी गुरु की जरूरत होती है। जैसे बिना प्रशिक्षक के कोई गहरे पानी में तैर नहीं सकता, मतलब महारत हासिल करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जब दुनियावी ज्ञान में काबिलियत हासिल करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो रूहानियत का ज्ञान बिना गुरु के कैसे संभव है? अगर दुनियावी पढ़ाई टीचर के बिना नहीं होती तो रूहानी पढ़ाई टीचर के बिना कैसे हो सकती है? तो ये कैसे संभव है कि गुरु की जरूरत नहीं है? स्कूल में टीचर ना हो, क्या कोई ऐसा स्कूल है? कॉलेज में लेक्चरर या कुछ ऐसे ना हो तो क्या ऐसा कॉलेज है? जब दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर की जरूरत है, रूहानी रास्ते तो गए भी हैं, वहां कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, क्या उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? हर धर्म में लिखा हुआ है जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी। इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो बिना गुरु के आगे बढ़ सके। स्वयं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि को अपना गुरु बनाया, श्री राम जी ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। राम कृष्ण ते को बड़ो तिनहू भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। इतिहास में दर्ज है कि मीरा ने गुरु रविदास जी को, कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया था। अतः ये तो स्पष्ट है कि आदिकाल से अब तक जिसने भी भगवान को पाया गुरु के सानिध्य में ही पाया। इतने महान होते हुए भी इन्होंने गुरु धारण किया, तो क्या हमें गुरु की जरूरत नहीं? जरूरत है, क्योंकि इस धरती पर पहला कदम रखने से पहले ही मां हमारी गुरु होती है, जो हमें बोलना, बैठना, चलना, पहनना, खाने का सलीका सिखाती है। यानी मां अपने बच्चे के जीवन के सफर को खूबसूरत बनाने का हर संभव प्रयास करती है। इसीलिए मां को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। जीते जी मां अपने बच्चे के लिए हर पल चिंतित रहती है कि उसके बच्चे को कुछ हो न जाए। पर मौत के बाद उसके बच्चे का क्या होगा? वो कहां जाएगा? कौन उसे आगे संभालेगा? भगवान से बड़ा दर्जा प्राप्त करने वाली जीवन दायिनी मां भी इस बारे में असमर्थ हो जाती है। इस अनसुलझी पहेली का समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास ही है, क्योंकि गुरु हमारे जन्म से लेकर मरने तक और उसके बाद के सफर का भी गाइड होता है। इसीलिए
गुरु को माँ और भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां आदिकाल से चले आ रहे गुरुओं के ज्ञान के बिना जीवन में सुख शांति व तरक्की हासिल कर पाएंगी? क्या वो अपने रिश्ते नातों के प्रति वफादार रह पाएंगी? क्या वो नशों व बुराइयों से निजात पा सकेंगी? क्या वो मानसिक व सामाजिक तनाव से मुक्ति पा सकेंगी? अगर आपका जवाब ना है तो फिर क्यों हम अपने भविष्य को गुरुओं की पावन शिक्षाओं से दूर कर दुखों के सागर में डुबो रहे हैं? गुरु ही है जो अपने दिव्य ज्ञान से समाज को बुराइयों से दूर कर उन्हें सही पथ पर अग्रसर करते हैं। आप सबको ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की कसम, आज के बाद ये तीन बुरे काम कभी ना करना। नंबर एक, नशे ना करना, शराब ना पीना। नंबर दो, मांस अंडा ना खाना। नंबर तीन, पति पत्नी का रिश्ता सही है, पति पत्नी के बिना उम्र में अगर कोई बड़ा है तो माँ बाप, बराबर क्या है तो बहन भाई, और छोटा है तो बेटे बेटी के समान मानना है। ये तीन वचन मांगते हैं आपसे, तीन वचन। गुरु है तो हर समस्या का समाधान संभव है, लेकिन अफसोस की बात है जो भारत हमारे अति वंदनीय ऋषि मुनि व गुरुओं के ज्ञान की वजह से पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में विख्यात था, आज उसी देश में हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे वेदों के ज्ञान को समाप्त करके हमें भ्रमित किया जा रहा है कि हमारी तरक्की आधुनिक विज्ञान से होगी, न कि धर्मों के ज्ञान से। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं, उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद टीचर मास्टर ना पढ़ाए। आज वैज्ञानिक छोटी सी खोज के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं और उस पर भी इतराते रहते हैं, लेकिन हमारे गुरुओं ने हजारों साल पहले ही सब कुछ बता दिया था कि ब्रह्मांड में लाखों सूरज नक्षत्र हैं और ऐसी सैकड़ों दुनिया हैं जहां जीवन संभव है, जिसे विज्ञान आज मान रहा है। आदिकाल से हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि इंसान शाकाहारी है और विज्ञान आज 21वीं सदी में आकर इसे मान रहा है कि हम शाकाहारी हैं। जो विज्ञान को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, उनके लिए हम बता दें, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो महाविज्ञान है। विज्ञान तो कल बनी है, क्योंकि धर्म सबसे बड़े महाविज्ञान है। धर्म से ही निकली एक छोटी सी कड़ी है, छोटी सी बूंद है, जिसका नाम विज्ञान है। वरना वेदों में बताया है लाखों चंद्रमा, लाखों सूरज, लाखों नक्षत्र, और नासा साइंस केंद्र अमेरिका ने 8 साल 10 साल पहले खोजा है, खगोल में बहुत सारे चंद्रमा दिख गए हैं, बहुत सारे सूरज नजर आ गए। उन्होंने 10 साल पहले बताया है, धर्मों में हजारों साल पहले वो हूबहू लिखा हुआ मिलता है। जरा सोचिएगा, क्या बिना गुरु ज्ञान के विश्व गुरु बनना संभव है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरु का महत्व नकार कर हम अपने जीवन का अस्तित्व ही खो देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुरु ही है जो लोगों में इंसानियत का जज्बा भरता है। जिस दिन इस धरा पर इंसानियत का जज्बा खत्म हो जाएगा तो ये धरा एक पल में समाप्त हो जाएगी।
आप फूल के मानिंद खिल जाएंगे। चाहे कितना भी कीचड़ है समाज में, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जुल्मो सितम, बड़ी मछली छोटे को खा रही है, उससे बड़ी उसको खा रही है, आप समझ गए होंगे। बुरा हाल है, बुरा हाल समाज का। यहां दिखावा बढ़ता जा रहा है। धर्म को मानने वाला कोई कोई है, कोई कोई। सो दिनों दिन लोग पछड़ रहे हैं अपने धर्म से। दिखावा बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं, नेक नियत और नेक इंसानों की गिनती कम है। पर है, बीज नाश नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सारी दुनिया रुकी हुई है। अगर इंसानियत का जज्बा जिस दिन खत्म हो गया, तो यहां कोई कोई बचेगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होगी। गुरु रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए गुरु समयानुसार अनेकों माध्यम का प्रयोग कर अपने शिष्यों की संभाल एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं और कदम कदम पर उन्हें समझाते रहते हैं। इसी कड़ी में गुरुजी ने पत्र व संदेश भेजकर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया, जिसे साध संगत में सेवादार द्वारा पढ़कर सुनाया गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सबको पता ही है कि कोरोना महाबीमारी चल रही है, इससे प्रभु सबको बचाएं। इसके लिए मैं प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करता रहता हूँ। हमारा ध्यान तो कूंज की तरह हमारे करोड़ों बच्चों में ही लगा रहता है। हम वचन देते हैं कि ताउम्र गुरु रूप में आपकी संभाल बढ़ चढ़ कर करते रहेंगे। हम रात को सोने से पहले व सुबह उठते ही आप सबको दुआएं शाह सतनाम मस्तान जी से मांग कर देते हैं कि आप सब तंदुरुस्त व सुखी रहें। हमारे करोड़ों प्यारे प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा चिंता ना किया करो। सतगुरु राम जो भी करते हैं 100% ठीक करते थे, करेंगे भी 100% ठीक। आप नाम जपो व सेवा करो, प्रभु की सारी सृष्टि से बेगर्ज प्यार करो, सभी धर्मों का सत्कार करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है, वो कहीं भी रहे, उससे उसका गुरुत्व कम नहीं होता। गुरु हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी काज संवार देता है। गुरुजी की कोचिंग की बदौलत आज मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में स्विमिंग कोच हूँ। सच में अगर मार्गदर्शक सही मिल जाए तो दिशा भी सही मिल जाती है। मैंने कहीं भी अकेला महसूस किया, मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा मिला और उसने कभी जताया भी नहीं। मेरे जीवन में अगर गुरु ना होते तो मैं समझता हूँ मैं बुरी संगत में फंसा हुआ एक बुरा इंसान होता। आज गुरुजी के वचन मानने से मेरा, मेरे परिवार का पूरा जीवन सवर गया। अगर मुझे गुरुजी ना मिलते तो मैं इस मुकाम पर पहुँचने की बजाय दर दर की ठोकरें खा रहा होता। गुरुजी ने समाज में लड़कियों को समान दर्जा दिलाने के लिए अनेकों मुहिम चलाई है जो की काबिले तारीफ है। उन्होंने ही हमारे सपनों को पंख दिए हैं। जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था तब मेरे आसपास के बहुत बच्चे नशा करते थे व बुरी संगत में थे, लेकिन मुझे हर पल अपने गुरुजी की पावन शिक्षाओं का एहसास रहता था, जिस वजह से मैं इस बुरी संगत से हमेशा दूर रहा। मेरा रोम रोम अपने गुरुजी के उपकारों का कर्जदार रहेगा। गुरुजी ने मुझे सब बंधनों से मुक्त करके सुख का राह दिखा दिया। गुरु ने मेरी वीरान जिंदगी में खुशियों का रंग भर दिया। मैं ताउम्र गुरु का ऋणी रहूंगा। ये मेरा गुरु का ही प्रताप है कि आज मेरा परिवार और करोड़ों परिवार नस और बुराइयों से दूर है। गुरु मिल गया, मेरी ऑक्सीजन है। गुरु है तो मैं जिंदगी का असली मकसद गुरु मिले हो सज्जो कुछ साडी जिंद जान मेरी जिंदगी है। गुरु बिना कुछ नहीं चानना, मेरा जिंदगी है, मारी दुनिया है, मानो जहान में सहारा है जीने की वजह। मेरे गुरु जैसा कोई नहीं।
जैसे लाखों करोड़ों लोगों की नरकमयी जिंदगी को संवार दिया है गुरु ने। न सिर्फ इन लोगों को बल्कि इनकी आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन संवार दिया है गुरु ने। गुरु का सानिध्य और उनकी प्रेरणा पाकर उनके शिष्य वो कर गए जिसे कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। मैं गांव की रहने वाली एक देहाती बेटी हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंटरनेशनल लेवल पर मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। मेरे गुरु पापा कोच सेंट डॉक्टर एमएचजी ने मुझे सिमरन प्राणायाम के साथ साथ योगा की एडवांस टेक्निक सिखाई, जिससे मेरा बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना बढ़ता गया। और आज डॉक्टर एमएचजी की बदौलत ही मैं योगा में 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी हूँ और 4 बार एशिया में गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ। हम जैसी अनेकों लड़कियाँ जो कभी प्लेयर बनने के काबिल भी नहीं थी, आज पूरी दुनिया में अपनी गेम्स में नंबर वन हैं। ये सब गुरुजी की कोचिंग के बिना इम्पॉसिबल था। मेरे लिए एशिया कप जीतना एक सपना ही था। इस सपने को गुरु पापा कोच की कोचिंग व प्रेरणा से हकीकत में बदलते देखा है मैंने। गुरु के मार्गदर्शन में हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। जीवन में मुझे हर पल एहसास करवाया गया था कि तू लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं हमेशा अपने आप को एक फेलियर महसूस करता था जिसका लाइफ में कोई एम ही नहीं था। बट जब मैं गुरुजी से मिला, मैंने मेडिटेशन लिया और उसका अभ्यास किया, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। और उस कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी फेलियर लाइफ कब सक्सेस में तब्दील होगी मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नेवी में जाऊँगा और नेवी में जाके पूरी दुनिया देख पाऊँगा। दुनिया का कोई शायद ही ऐसा मुल्क हो जिसमें सी पोर्ट हो और मैंने ना देखा हो। एक छोटे से गाँव का रहने वाला एक साधारण सा लड़का आज पूरी दुनिया घूम रहा है, और ये सब मुमकिन हुआ है मेरे डॉक्टर सेंट एमएजी की वजह से। 2016 में मैंने माउंटेनियरिंग की सभी फॉर्मल ट्रेनिंग पूरी करके अपने माउंटेनियरिंग करियर की शुरुआत की थी, और अभी 2019 में मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ाशिगिरी ग्लेशियर के एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, 27 किलोमीटर से ज़्यादा, और मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पे होंगी, क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर हमारे गुरुजी सेंट एमएसजी ने जो मेथड ऑफ मेडिटेशन हमें बताया है और समय समय पर जिस तरीके के टिप्स या गाइडेंस वो देते रहते हैं कि स्पोर्ट्स में होने के नाते आपको किस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, तो इन सब की वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और मेरे अंदर एक जोश भरा इन चीज़ों ने, और जिसकी वजह से मैं ये करने में सक्सेसफुल हुई और अपना नाम भारत के उन माउंटेनियर्स में मैंने दर्ज किया जो कि बड़ा शिगरी ग्लेशियर को क्लाइम कर चुके हैं। मैं सोचता था कि बिना मांसाहार के बॉडी बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर जब गुरुजी का सत्संग सुना तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शाकाहारी रहकर भी बॉडी बना सकते हैं। और गुरुजी की मैंने अनेकों वीडियो देखी जिसमें वो वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं, और मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ वीडियो देखने के बाद कि मैं भी बॉडी बनाऊंगा। और गुरुजी के दिए हुए मार्गदर्शन से और उनकी शिक्षा से मैं आज शुद्ध शाकाहारी होते हुए एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हूं। सच्चा गुरु कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करता, इसलिए जब सच्चा गुरु मिल जाए, उस पर यकीन आ जाए, तो फिर जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। गुरु का कोई भी कदम बिना वजह नहीं होता, उसके पीछे सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत कुछ छुपा होता है। सूरज पश्चिम में उग सकता है, गुरु गलत हुए कभी हो नहीं सकता। वो जो भी कार्य करता है अपने लिए तो करता ही नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम के हुक्मानुसार, सतगुरु मौला के हुक्मानुसार और सबके भले के लिए करता है। इश्क खुदा से और भरोसा गैरों पर, ये मोहब्बत में मंजूर नहीं। आशिकों की मंजिल रजाए यार है, डोलना आशिकों का दस्तूर नहीं।
परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, रब से सच्चा प्यार करने वाले शिष्य कभी कदम पीछे नहीं हटाते। अगर शिष्य अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखता है तो गुरु कभी भी शिष्य का बाल भी बांका नहीं होने देता। तो शास्त्र नाम श्याम स्थान जी के मुरीद कभी किसी मोड़ पे काल से मार नहीं खाते। सतगुरु उनकी उंगली पकड़ के संभाल करते थे, करते हैं और अरबों गुणा बढ़ के करते रहेंगे। लाज रखते थे, रखते हैं और अरबों गुणा बढ़ के लाज रखते रहेंगे। सो आपका फर्ज, अच्छे कर्म करते जाओ। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता बाल बांका नहीं होने देते, कोई आंच आने ही नहीं देते। If I look back in my life, I personally feel that in one life I've seen many lives. It would be absolutely correct if I say many lives and one master, and that is Shah Satnam Singh Ji, and now his young incarnation in the form of Dr. Saint MSG. My whole life is his planning, and my life would have shattered into pieces if his holiness was not there, if his blessings and his guidance was not there in my life. And To imagine a single moment of my life, or even I say a fraction of my life, is incomplete without him or without my master. I would like to conclude with few lines. Haal ki hunda zindagi da, je satgur pyara na milda, asi pathe chokde rehna si je tera sahara na milda. Jab se Guru Ji meri zindagi mein aaye hain, bahut jyada meri zindagi mein parivartan aaye hain. Jaise koi bhi kabhi कोई गलत सोच आती है तो प्यारे सतगुरु की सीख याद आ जाती है। प्यारे मुर्शिद मेरे बाप की तरह है। जैसे एक बाप ने उंगली पकड़े हुई होती है, मुझे हमेशा ऐसा अनुभव होता है कि मेरी उंगली मेरे सतगुरु ने पकड़ रखी है। कहने को तो मैं 66 वर्ष का जरूर हूँ, लेकिन अभी भी मैं उनके लिए बच्चा ही। There was a time in my life when everything seemed like a dark hole. I felt like I have lost it all, and I've lost the meaning of life, and I would not be able to overcome my failures of life. Had Guruji wouldn't have held my hands in those darkest hours of my life, I think I wouldn't have been to the place where I am today. ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ, ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੇ ਅਨੁਯਾਈ ਪੂਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਮੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ व भाईचारे को कायम रखने के लिए हर नेक व अच्छे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैली कोरोना बीमारी के दौरान भी गुरु के पावन दिशा निर्देश में अनुयायियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाकर लोगों को राशन मुहैया करवाया।
और गांव शहरों के साथ साथ सभी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया। ऐसे ही सैकड़ों मानवता भलाई के कार्य सिर्फ गुरु के सानिध्य में ही संभव हो सके हैं। आज पूरे विश्व को जात पात, धर्म मजहब व संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर सर्वधर्म सद्भाव की बेहद जरूरत है। दुनिया को एक सूत्र में पिरोने व इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज, दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम जी महाराज और मौजूदा गद्दी नशीन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ बिठाकर सर्वधर्म संगम का संदेश दिया। सच्चा सौदा में सर्वधर्म संगम, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के मजहब के लोग यहाँ बैठ के अल्लाह कह सकते हैं। पास वाला वाहेगुरु बोल दे कोई हर्ज नहीं, दूसरा राम बोल दे, तीसरा गॉड बोल दे, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं। मस्जिद में जाके आप राम राम नहीं गा सकते, मंदिर में जाके अल्लाह हू नहीं बुला सकते, और आप गिरजे में जाके वाहेगुरु नहीं गा सकते, और गुरुद्वारे में जाके आप गॉड गॉड नहीं गा सकते, क्योंकि ये असूल बने हुए हैं कि वहाँ तो वही चीज़ बोली जाएगी। पर साईं मस्ताना जी ने, शास्त्राम जी दाता रहबर ने ऐसा ये आश्रम, ऐसे ये सच्चा सौदा बनाया कि जिसमें सेवा, सुमरन और सर्वधर्म संगम, सभी को आपस में प्यार करो, बेगर्ज निस्वार्थ, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक मालिक की औलाद हैं और एक ही सबका मालिक है। हमारे गुरु पीर फकीर सृष्टि के कल्याण के लिए मानव जाति के सभी धर्मों के लोगों को अपनी पावन शिक्षाओं से एक साथ जोड़कर इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे महान गुरुओं को हम शत शत नमन करते हैं, जिनकी पावन शिक्षाओं पर चलकर आज करोड़ों परिवार नरकमयी जिंदगी से निकलकर खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।